हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लैपटॉप के कीबोर्ड को रिप्लेस करना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का कीबोर्ड जो है ख़राब हो चुका है। सिर्फ कुछ ही कीज़ जो है फंक्शन कर रही है, बाकी सभी कीज़ जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। तब ऐसे में मैंने इस लैपटॉप को शॉप पे दिखाया तो फ्रेंड्स वहाँ पे 3000 रुपीज़ बताया मेरे को चेंज करने का। तो फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कीबोर्ड को ऑनलाइन ऑर्डर किया है जिसकी कीमत मेरे को 950 रुपीज़ पड़ी है ऑनलाइन। अब इसको मैं खुद ही चेंज कर लूँगा, तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है। अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल के सर्च कर लेना है कीबोर्ड का, और उस कीबोर्ड को आपको ऑर्डर कर देना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। अब इसको आपको रिप्लेस करना है, और रिप्लेसमेंट भी बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको अपने लैपटॉप को बंद कर देना है। शट डाउन करने के बाद जो है आपको अपने लैपटॉप की जो बैटरी है इसको निकाल देना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लैपटॉप की बैटरी को नहीं निकालेंगे तब तक जो है आप जब इसको ओपन करेंगे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसकी बैटरी को निकाल दिया है। अब मेरे लैपटॉप से जो है यहाँ से बैटरी निकल चुकी है। अब मेरे को सिंपली कीबोर्ड को रिप्लेस करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ, अलग अलग लैपटॉप के अलग अलग मॉडल्स में जो है अलग अलग तरीके हो सकते हैं कीबोर्ड को रिप्लेस करने के। तो आप जो है एक बार अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल के टीयर डाउन वीडियोस जो है करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे निकालना है। लेकिन मैक्सिमम केसों में क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा ये कीबोर्ड लगा रहता है ऊपर को। अब आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, और आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ होल्स दिखेंगे। इन होल्स में आपको स्क्रू ड्राइवर को अंदर डालना है और उसको ऊपर पॉप कर देना है। तो देखिए कैसे करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अपने केस में ये वाला स्क्रू ड्राइवर जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला स्क्रू ड्राइवर है। अब ये जो होल्स दिख रहे हैं इसके अंदर आपको इसको लगाना है और इसको ऊपर की साइड पॉप कर देना है। तो देखिए हल्का सा मैं पॉप कर रहा हूँ, तो देखिए पॉप हो गया। ऐसे सभी होल्स में जाके इसको पॉप कर देना है और ये जो कीबोर्ड है निकल जाएगा। तो देखिए इतना आसान है इसको निकालना। अब इसको निकालते ही आपको एकदम खींचना नहीं है, जब ये आ जाए निकल के तो इसको आराम से यूं कीजिए। तो इसके बैक साइड में आपको देखिए एक लीफ दिखेगी ये लगी हुई। इस लीफ को जो है आपको मदरबोर्ड से जो कनेक्टेड है इसको आपको इससे अनप्लग करना है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको क्या करना है आपको अनप्लग कर देना है। अब इसको मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसको जो है यहाँ पर देखिए अनप्लग बड़े ध्यान से कीजिएगा। इस पिन को आपको जो है पीछे की साइड खींच देना है। आपके केस में पिन अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बस आपको मदरबोर्ड से इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमने पुराने कीबोर्ड को जो है अपने लैपटॉप से निकाल दिया है। अब इसके अंदर हमें नया वाला कीबोर्ड को जो है इंस्टॉल कर देना है। तो ये था पुराना कीबोर्ड, अब ये है फ्रेंड्स नया वाला कीबोर्ड जिसको जो है हम अब इसके अंदर जो है इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली जैसे हमने इसको निकाला वैसे हम इसको लगाएंगे। अब ये देखिए इसकी बैक साइड की जो लीफ है इसको हमें अपने मदरबोर्ड से जो है लैपटॉप के मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देना है, जिस बोर्ड से हमने उसके प्लगइन को प्लग आउट किया था, ठीक है। पुराने वाली लीफ को जहाँ से निकाला था यहीं से इसको थोड़ा ध्यान से जो है आप इसको प्लग इन करना। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दबाजी में आप ये इसको गलत तरीके से लगा सकते हैं। तो थोड़ा देख लीजिएगा कि पुराने वाले कीबोर्ड में कैसे लगी थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आपको इसको ध्यान से देख के जो है प्लग इन कर देना है। तो देखिए आपसे गलती ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो है आपको दिक्कत आ सकती है, बस ध्यान से रख के इसको प्लग इन कर देना है। तो देखिए प्लग इन हो गया। अब आपको जो है इस कीबोर्ड को बंद कर देना है ऐसे लगा के, और नीचे को पुश कर देना है। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस लीफ को जो है सेट कर लेना। मैं इसको सेट कर लिया है और इसको हल्का सा दबा देता हूँ। तो देखिए कट कट की आवाज़ आती है, इसका मतलब वो वहाँ पे लॉक हो चुका है। तो देखिए कीबोर्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा रिप्लेस हो चुका है। तो चलिए अब इसके अंदर हम फटाफट लैपटॉप के अंदर बैटरी को प्लग इन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो है वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये रही बैटरी फ्रेंड्स, इस बैटरी को हम फटाफट इसके अंदर लगा देते हैं और इस लैपटॉप को फटाफट ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, लैपटॉप ऑन करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट टाइम आप नया कीबोर्ड लगाते हैं फ्रेंड्स, उसके ड्राइवर जो है इंस्टॉल नहीं होते। जब आप फर्स्ट टाइम इसको यानी ऑन करते हैं लगा के, तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कभी कभी 5 से 10 सेकेंड भी लग जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, आपको सिंपली अपने लैपटॉप को ऑन कर लेना है। और देखिए यहाँ पे लैपटॉप जो है बूटअप हो चुका है, और फटाफट बटन दबा के देखता हूँ मैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्राइवर जो है इसका इंस्टॉल हो चुका है बैकग्राउंड के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, अब इसको लॉगिन करता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है और पासवर्ड डाल दिया मैंने, इसका मतलब कीबोर्ड जो है वर्क कर रहा है। तो फटाफट नोटपैड में मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कीबोर्ड जो है हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, और इसी कीबोर्ड को चेंज करने के 3000 रुपीज़ बता रहा था और हमने 1000 रुपीज़ में इसको खुद से ही चेंज कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।